भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत माननीय मोदी जी के सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के आम जनमानस के बीच में जा रहा है। इसके अंतर्गत ही युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी के अगुवाई के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस अभियान को हर व्यक्ति तक, हर युवा तक लेकर के जाने के लिए कटिबद्ध है। इस पूरे अभियान के अंदर जहां जो अभियान पिछली 31 मई से लेकर के आने वाली 30 जून तक चलाया जा रहा है, उसी के अंदर कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य अभियान लेकर के चलेगा। उसके अंदर सबसे बड़ा विषय लाभार्थी संवाद का है। लाभार्थी संवाद यानी जो बेनिफिशरीज स्कीम्स के हैं और उसमें भी युवा मोर्चा जो युवा आधारित पॉलिसीज और स्कीम्स बनाई गई, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और स्टार्टअप्स का मौका देने के लिए नौजवानों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दरबदर ना हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आने वाले नौजवानों को भी मौका दे पाए, ऐसे नौजवानों को मौका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से स्टार्टअप्स की स्कीम्स के माध्यम से दिया है, जिसके अंतर्गत चाहे वो मुद्रा स्कीम के तहत हो, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के तहत उस स्कीम्स को प्रोत्साहित करने का और उसको फैसिलिटेट करने का मौका देने का काम हो, और वहीं पर स्किल इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो फेलिसिटेशन और नौजवानों को प्रोत्साहन करने का काम किया है, ऐसे नौजवानों को टच करना, आउटरीच करना और उन तक बेनिफिशियरी स्कीम्स का किस तरीके से उनके जीवन में लाभ हुआ और वो आने वाले नौजवान को किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, उसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी के साथ स्कॉलरशिप स्कीम्स हों या और नौजवानों को जो आवास योजना या अन्य योजनाओं को जो लाभ मिला उसका प्रचार प्रसार, इसके साथ साथ नव मतदाता, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक महत्वपूर्ण, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए नव मतदाता का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिस तरीके से 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर जो बनाया गया था कि राजनीति केवल बड़े घरानों के लिए या डायनेस्टी के लिए ही उपयुक्त स्थान है या केवल भ्रष्टाचारी ही राजनीति या राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है जिसके अंदर जाने से कोई भी मलिन हो सकता है, उसको तोड़ने का काम किया। वहीं पर उनकी जो नव मतदाता है 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके उसके बाद उनको भी सारे मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। इस सारे अभियान के अंदर चाहे वो जिम्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब्स हों, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो अन्य नौजवानों के स्थान हो, वहां पर जाकर के नौजवानों को इन सभी स्कीम्स के बारे में, इन सभी
जो 9 साल में हुए कार्यों के बारे में अवगत करवाएंगे। इसके साथ जो प्रमुख कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर से जो नेशनल लेवल क्विज है, माननीय मोदी जी द्वारा जो चलाए गए सारे कार्यक्रम और उनका डेटा, उसके साथ साथ किस तरीके से कितने लाखों लोगों को उसका, करोड़ों लोगों को उसका लाभ पहुंच पाया और कौन कौन सी स्कीम किस किस वर्ग के लिए उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बारे में प्रचार प्रसार और उसके बारे में क्या क्या उपयुक्त एलिजिबिलिटीज हैं, उसके बारे में एक क्विज नेशनल लेवल पर करेंगे। उसमें भी नौजवानों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये एक महीना जहां पर जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में हुए विकास कार्यों को लेकर के हम जनमानस तक, नौजवानों तक जाएंगे, वहीं उसके साथ साथ माननीय मोदी जी के किए गए 9 सालों के काम का भी एक प्रचार प्रसार और लोगों को रिपोर्ट कार्ड देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।